मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। उपचुनाव से ठीक पहले दल बदल का सिलसिला भी जारी है। एक महीने में 3 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में फैला भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कांग्रेस की ही देन है, यही वजह है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने 34 साल बाद मोदी कैबिनेट के शिक्षा नीति में किए गए बदलाव को ऐतिहासिक बताया। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी शिक्षा नीति में कई विसंगतियां थीं और लंबे समय से इस तरफ जो भी सरकार थी पूर्व की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिक्षा नीति को लेकर समय समय पर अनेक तरह के प्रश्न सामने आते थे, अनेक कठिनाइयां सामने आती थी। वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है, एक आदर्श शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे एक हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे जो शिक्षा के बाद रोजगार से जुड़ेगा, जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा, शिक्षा बोझ नहीं वरदान बनेगी। मध्य प्रदेश में 27